उसे प्यार देना मेरा और कहना जल्दी आ जाए। जी कह दूंगी, मैं पार्टी में जाने का भी पूछ लूंगी उससे। पूछने की क्या जरूरत है, चली जाना। मेरा चाय बना रही हूँ, चाय पिएगी? नहीं, मैं बना देती हूँ ना आपके लिए। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं होता है कि सारा दिन होम के वर्क करते रहो। चाय बना रही हूँ, जल्दी जल्दी ऑफिस का काम निपटा ले, फिर तुझे पार्टी में भी जाना है। नहीं, मैं सोच रही हूँ कैंसिल कर दूँ। क्यों, तू तो इतनी एक्साइटेड थी पार्टी में जाने के लिए, क्या हो गया अचानक से? हाँ मतलब छोड़ो ना माँ, आते आते इतना लेट हो जाएगा ना, फिर मुझे लगा आप और छोटी बात माँ अकेले रहोगे तो बस जाने का मन नहीं किया फिर। हाँ तू नहीं होगी तो मुझे बहुत डर लगेगा ना, हम तो डर के मर ही जाएंगे अगर तू नहीं आएगी तो। माँ कैसी कैसी बातें करते हो आप? मैं तो ऐसी ऐसी ही बातें करती हूँ। तू सच्ची सच्ची बात बता, जब कमरे से आई थी तो तेरी आंखें क्यों रोई हुई थी? नहीं माँ, ये मना कर रहे हैं पार्टी में जाने के लिए। क्यों? कह रहे हैं कि मैं मना कर रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है और शॉर्ट ड्रेस पहन कर तो बिल्कुल भी नहीं। कितना घटिया सोच वाला है ना तेरा पति, मैं तो हॉस्पिटल के कागज़ देखूं, कहीं बदल तो नहीं किया? मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता भाई, पर तू पार्टी में जा रही है। नहीं माँ, इनको अच्छा नहीं लगेगा। बता कौन रहा है इसको? झूठ बोल के तो बिल्कुल भी नहीं, अपनों से कोई झूठ बोलते ये अच्छी बात नहीं है, ये आप ही की सीख है ना। जिसको सिखाई थी उसको याद नहीं है, ये दो दिन की आई को सारी चीज़ें याद है और अमल भी कर रही है। पर तू ना पार्टी में जा, मैं और छोटी बदाम ना तेरी माँ का ना दिमाग खाएंगे जाकर, बहुत मज़ा आता है उसका दिमाग खाने में। मजा आता है ना आपको मेरी माँ से पंगे लेने में? सच में बहुत सुकून मिलता है अपनी समधन से बातें करने में। चल ना तैयार हो जा। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे माँ, बताओ शाम को क्या खाना है? तेरा सर। बचा है इसमें कुछ खाने के लिए? कढ़ी चावल बना रही हूँ, खा लियो। ये तो कटकट क्यों कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा है? सॉरी। वैसे ना ये बुक ना, क्या नाम है तेरे पति का? उसको पढ़ाई हो, ह्यूमन रेवोल्यूशन हो जाएगा उसका, ये छोटी छोटी बातों में टिक टिक नहीं क्या करेगा। ह्यूमन रेवोल्यूशन माँ, ह्यूमन रेवोल्यूशन। हाँ तो मुश्किल है क्या? इसार का? हाँ उसको वीडियो कॉल पे कर। अच्छा मान आपसे बात करना चाह रही है, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ। हेलो माँ, कैसे हो आप? ठीक नहीं हो बेटा? जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए, वो कहीं खो गया है, तो दिल अच्छा नहीं है मेरा। कैसी बातें करती हो माँ, अब क्या कर दिया आपके बेटे ने? बेटा ये कहने वाले तुम कौन होते हो कि तुम्हारी बीवी कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, किससे मिले किससे नहीं मिले, क्या पहने क्या नहीं पहने, हो कौन तुम ये डिसाइड करने वाले अपनी बीवी के लिए? अरे मैं हस्बैंड हूँ उसका, मैं उसको ये सब कहने का हक रखता हूँ माँ। तब तक जब तक वो मान रही है, तुम्हारी बहन की तरह होती ना तो तुम्हारे मुँह पर जवाब देकर चली जाती। और ऐसा क्या गलत कर रही है वो? माँ मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं है जिसकी पार्टी में मैं ना जा रही है। हमें भी तुम्हारी वो बॉस पसंद नहीं है जिसके साथ तुम एक हफ्ते के लिए टूर पर गए हो। क्या करोगे, वापस आ जाओगे? ये कहा ना कि मेरी बात और है, तो यहीं से फ्लाइंग झापड़ दूंगी चप्पल से। इंसान बन जा, और आते हुए ना उसके लिए एक छोटी और छोटी ड्रेस लेकर आना और गोवा का प्रोग्राम बनाना। पता है मैंने उसे कितनी जिद करी कि तू पार्टी में चली जा, मैं देख लूंगी उसे, पर वो नहीं गई। कितनी अच्छी बीवी मिली है यार, आदर का रिश्ता बना, प्यार कर उससे। और रात को फ़ोन कर लियो उसे, अगर तूने उसे सॉरी नहीं बोला ना तो फिर देख लियो मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कितनी दुष्ट माँ है ना मेरी, कि सास भी क्या होगी।
थैंक यू माँ मुझे वक्त बेवक्त अपनी चप्पल से फ्लाइंग थप्पड़ देने के लिए, वरना कभी कभी भटक जाता हूँ, टिपिकल आदमी बन जाता हूँ। चल बाय बेटा, अपना ख्याल रखना, और हाँ ध्यान से फोन कर लेना उसे, नहीं तो झापड़। ओके माँ बाय, लव यू। ओके लव यू। क्या हो गया, ज्यादा तो नहीं डांट दिया सार को? क्यों डांटूंगी, तेरा लाडला है, डांटूंगी तुझे, तुझे छोटी बादाम का रोना नहीं सुनाई दे रहा? जा जरा दूध ले आ। मेरा छोटू बादाम, मम्मा दूध ला रही है, फिर मेरा छोटू पिएगा, फिर हम मस्ती मारेंगे। मेरी सास ऐसी ही है, कद ज्यादा ही अच्छी। आप भी थोड़े अच्छे बन जाइए जी, आपको बात अच्छी लगी तो लाइक तो करिए पर शेयर भी कर दीजिए। अरे छोटी बादाम के लिए दूध ले आ, ये ऑडियंस से गप्पे मारती रहेगी। अब जब गप्पे मार ही रही है तो चैनल सब्सक्राइब करने को कह दियो, वरना हमारी छोटी बादाम मिलेगी नहीं कभी। लाइक।